हमारी केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में आई थिंक हम ऑडियंसेस पे छोड़ते हैं, व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, केमिस्ट्री उन पे छोड़ देते हैं, वो देखेंगे एंड वही हमें फीडबैक देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपना बेस्ट दें एंड ट्रस्ट मी हमने अपना बेस्ट दिया है, बहुत मेहनत की है। आई थिंक हम पहले भी बता ही चुके हैं कि एक दिन में हमने वो पूरा डांस सीक्वेंस रिहर्स किया था एंड देयर वर 3 सीक्वेंसेस व्हिच वी रिहर्स। सो अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी सीखने में, लिप्स करने में, मतलब क्या जान गई थी हम लोगों की, ओनली वी नो। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन क्रिएट समथिंग सो नाइस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर लाइकिंग इट। बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ही इज सच एन अमेजिंग डांसर और आई थिंक इट्स अ केक वॉक फॉर हिम, यू नो। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू पुट डांसिंग वीडियोज ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, सो ये रीज़न है। आई वॉन्ट टू सरप्राइज द ऑडियंसिस विद एवरी प्रोजेक्ट दैट आई डू। मैं आई डोंट वॉन्ट टू ओपन ऑल माई कार्ड्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। सो आई वुड वॉन्ट टू शो माई स्किल्स, माई क्राफ्ट ओनली ऑन स्क्रीन। जब हम शूट कर रहे थे ना, शूट से पहले एक दिन हमने रिहर्स किया, तो पूरा दिन हमने रिहर्स किया। सो उसमें मुझे यू नो काफ़ी डांसिंग है, काफ़ी स्टंट्स है, लिफ्ट्स है, तो अच्छी चीजें बतानी है वहां से केमिस्ट्री बिल्ड हुई ना। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चोट लग गई मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। मतलब एक पंच लगा, एक थप्पड़ पड़ा, एक थप्पड़ तो वहां से केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। फ्रॉम डे 1 टिल डे 4 इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, दैट वाज एक बार भी नहीं गिराया। वो एक्चुअली वो सीन की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ सिनेरियो से, सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस ऐसी थी कि मेरे सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ जा रही है और उसे और एग्जैक्टली म्यूजिक वीडियो में क्या होता है, डायलॉग्स नहीं होते राइट, ज़्यादातर डायलॉग्स नहीं होते हैं, आपको आँखों से और एक्सप्रेशन से इमोट करना होता है, फेस से इमोट करना होता है, बॉडी लैंग्वेज से इमोट करना है। तो मेरा वही था, वही मेरा यू नो ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब ओ माय गॉड के बाद मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है, तो वो वैसी सर्कमस्टेंस थी, ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो गिर जाती है। दैट वॉज एन एक्ट, इन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, रिहर्सल में भी नहीं गिराया, दैट इज द रीजन वी कुड डू सो मेनी लिफ्ट्स एंड आई ट्रस्टेड हिम। बहुत टाइम से ड्यू था ये, शुरुआत की थी एज अ विलन बट हमेशा कॉन्फिडेंट था कि टाइपकास्ट नहीं होऊंगा मैं, एंड ऑडियंसिस ने मुझे यू नो टाइम टू टाइम बहुत ही सरप्राइज किया है, हैशटैग विलन हीरो, विलन हीरो का टैग दिया। पहली बार आई थिंक इन दी एंटायर वर्ल्ड किसी एक्टर को ऐसा टैग मिला होगा। सो जो भी लोग ये सोचते हैं कि यू नो एज एन एक्टर एंड अकॉर्डिंग टू माई अपीरेंस ये हीरो का रोल भी कर सकता है, तो तेरे बारे इज़ माई गिफ्ट टू देम कि आप लोग सही सोच रहे थे एंड मैंने बहुत मेहनत की है। मैं उन लोगों को यू नो प्राउड फील कराना चाहता हूँ जिन लोगों ने ऑल द पीपल हु नेवर गेव अप ऑन मी, हु ऑलवेज फेल्ट एंड बिलीव दैट संजय कैन बी अ हीरो ऑल्सो। वेल ऑफकोर्स संजू सभी जानते हैं, इतने अवार्ड्स जीत चुका है, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन रियल लाइफ में लोग नहीं जानते कि वो नेगेटिव किरदार से तो बिल्कुल ही अलग है। ही इज़ अ जान, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, वेरी गुड ह्यूमन बींग विद अ गोल्डन हार्ट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको इस बार एक हीरो का रोल मिला, रोमांटिक हीरो का रोल। उसके एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया थे, बहुत इंटेंस थे, उसको डांस करने का मौका मिला एंड वो भी कॉन्टेम्प्रेरी विच इज़ नॉट ईजी। सो आई मीन वो मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी मैं उसके कैरेक्टर में काफ़ी खो गई थी, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने अभी सॉन्ग पूरा नहीं सुना है, मैंने सिर्फ टीज़र देखा है और टीज़र में मुझे समझ में आ रहा था कि इट्स अ सॉफ्ट मेलोडी एंड सॉफ्ट रोमांटिक नंबर है, सो दैट वॉज लुकिंग नाइस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फुल सॉन्ग और वैसे भी संजय का गाना है, अच्छा ही होगा। तेरे बारे मतलब मैं तेरे बारे बोल रहा हूँ या तुम मेरे बारे बोल रहे हो, ये पूछना चाह रहे हो आप? ओके
आई लव यू इसके बारे में तो यही बोलना चाहूँगी, बहुत स्वीट प्यारा सुशील लड़का है तो सुशील बहुत ही प्यारा है। जितने भी लोग मुझे कुंडली वागे में देखते बोलेंगे चल झूठी। अरे यार बट वो तो रील में कर रहे हो, रियल लाइफ में तो यू आर सुशील, एवरीबॉडी नोस दैट। वो मुझे रियल लाइफ में जानते नहीं है। आई लव्ड इट लव्ड इट लव्ड इट कि हाँ जब मैंने ऑफकोर्स क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना था आई सेड यस प्लीज से यस टू दिस सॉन्ग, क्योंकि हमें बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे थे वीडियो सॉन्ग्स फॉर हिम फॉर मी, तो हमें बहुत सारे सॉन्ग्स रिजेक्ट करते थे, अरे यार ये सॉन्ग अच्छा नहीं है, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, बट व्हेन वी हर्ड दिस सॉन्ग आई टोल्ड हिम लाइक प्लीज डू इट संजू, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इतने प्यार से गाया हुआ है और लिरिक्स जो है इतने प्यारे हैं, हर कोई रिलेट कर सकता है इस लिरिक्स से, सो प्लीज़ डू इट फॉर मी, सो ही सेड ओके फाइन आई एम डूइंग इट, सो आई तो ऑब्वियसली लव्ड इट, मेरी वजह से उसने हाँ बोला है, राइट? हाँ हाँ, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आज तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया जो भी मैं हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, सो प्लीज़ तेरे बारे देखिए और VMP बनाइए, बहुत सारी रील्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा गाना है और हम दोनों के दिल के बहुत करीब हैं, सो प्लीज़ इस सॉन्ग को प्यार दीजिए, इस सॉन्ग को वायरल बना दीजिए, स्प्रेड करिए, रील्स बनाइए, हर किसी को सुनाइए, डेडिकेट कीजिए, करें, एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू।